गुड मॉर्निंग क्लास सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज 8.4, पॉइंट फोर एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर इज डिपेंड अपॉन आइडेंटिटीज़ जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये उस पर डिपेंड है कंप्लीट एक्सरसाइज तो इस एक्सरसाइज में मेन जो थ्री आइडेंटिटीज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके प्रूफ देखेंगे सो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे यहाँ दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो इसके प्रूफ के लिए इसका प्रूफ दो तरीके से है फर्स्ट आपकी बुक में गिवन है और दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं नो प्रॉब्लम सो ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल हमने एक राइट ट्राइंगल लिया राइट एंगल एट बी ए बी सी राइट ट्राइंगल एंगल सी एंड एंगल ए ये एक्यूट एंगल हैं इनमें से जो सी है वो एक्यूट एंगल है वहाँ मैंने थीटा मार्क किया नाव अब एंगल सी यानी थीटा एंगल के लिए ए बी एस अप परपेंडिकुलर बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेनियस सो हियर साइन थीटा यदि मैं रेशो निकालू साइन थीटा सो साइन थीटा वी नो दैट दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी अब यहाँ से यदि हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस्थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी अब हम जो आइडेंटिटी है उसकी हम राइट साइड यूज़ करेंगे वो सॉरी लेफ्ट साइड यूज करेंगे यानी ये वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे सो साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि मेरी साइन की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी एंड कॉस की वैल्यू मेरे पास है बी सी अपॉन ए सी तो मुझे कुछ नहीं करना साइन और कॉस की वैल्यू को इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड में मुझे पुट करना है तो एल एच एस बाय टेकिंग एल एच एस यहाँ से यहाँ से जब मैंने एल लिया तो उस एल में मैंने साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर कॉस थीटा मेरा है बी सी अपॉन ए सी तो वो होल स्क्वायर अब इसके बाद में ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करती हूँ तो होता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर को मैं ओपन करती हूँ तो होता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर नाउ टेक एल सी मैंने लिया ए सी स्क्वायर आया देन वी गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अब यदि हम ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल में यहाँ ये जो है पर हाइपोटेनियस जो है ये मेरा बाय पाइथागरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ये जो हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस की मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैंने ए सी स्क्वायर लिख दिया तो ये हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर मीन्स इस प्लेस पर मैंने इसके प्लेस पर ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है इस प्लेस पर मैंने ए सी स्क्वायर पुट किया तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दोनों कैंसिल ही मेरे पास आता है वन तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू वन इट मीन्स अब हमारे पास हो गया क्योंकि हम लेफ्ट साइड लेके चले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसमें हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करी हैं और ये हमारा आ गया वन इट मीन्स राइट साइड के जो हमारी राइट right साइड थी उसके इक्वल आ गया वन के इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आपकी बुक में जो है एन बुक में जो आपका प्रूफ गिवन है उसमें हमने यहीं से स्टार्ट किया है वो भी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इसके बाद मैंने दोनों साइड मैं थोड़ा सा यहीं पे समझा देती हूँ कि उसमें पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया है इट मीन्स इसको भी मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया और इन दोनों को भी मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया और जब यहाँ दोनों साइड अब यहाँ ए बी अपॉन ए सी यदि हम ए बी अपॉन ए सी को देखें तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा हाइपोटेनियस है तो इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये मेरा रेशो होता है साइन थीटा का तो इस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को मैं बोल सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा बी सी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मेरा होता है रे कॉस uh, थीटा रेशो जो है तो ये आपका बन जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये वन आता है तो वो मेथड भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो दोनों में से किसी भी मेथड से आप इस प्रूफ को कर सकते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो मेरी है दैट इज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन इसका प्रूफ हम देखेंगे तो इसका प्रूफ हम अपने बुक के जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमने आईड हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है वहाँ से हमने लिया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी में मैंने हाइपोटेनियस यानी ए सी स्क्वायर से मैंने दोनों साइड डिवाइड किया था यहाँ हम पूरी इक्वेशन यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों ही साइड ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर से मैंने दोनों साइड डिवाइड किया देन वी गेट ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर तो ए सी अपॉन बी सी यानी ए सी है मेरा हाइपोटेनियस और बी सी है मेरा बेस तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यदि ये रेशियो में देखूँ तो ये मेरा होता है सेक थीटा

यहाँ से यदि मैं इसे शिफ्ट कर दूँ यानी इस टेन थीटा को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये साइन नेगेटिव में आएगा तो ये मेरी फाइनल आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी हमारी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब हमने क्या किया दोनों ही साइड इस इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अब जब ए बी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया देन वी गेट ए सी अप ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर तो यहाँ से ए सी अपॉन ए बी ए सी हमारा है हाइपोटेनियस एंड ए बी हमारा है परपेंडिकुलर तो ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये मेरा रेशो होता है थीटा इट मीन्स ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा नेक्स्ट ऑन राइट साइड ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कैंसिल देन वी गेट वन नाउ बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर सो बी सी अपॉन ए बी बी सी इज बेस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यदि हम देखें तो ये रेश होता है कॉर्ट थीटा इट मीन्स ये हमारा बन गया बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा तो फाइनल मेरी आइडेंटिटी बनती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉर्ट स्क्वायर थीटा एंड देन उसके बाद मैंने इस कॉट स्क्वायर को यदि हम इधर शिफ्ट करें तो नेगेटिव साइन में आएगा इट मीन्स ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉर्ट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी यहाँ से आती है अब फाइनली हमने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगानी होगी कुछ क्वेश्चन अब यहीं से इसी आइडेंटिटी से इस फर्स्ट आइडेंटिटी जो है इसी से मेरी तीन आइडेंटिटी बन जाती है देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी यहाँ से यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करूँ तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो ये थर्ड आइडेंटिटी मेरी बन जाती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी दोनों ही साइड यदि मैं अंडर रूट ले लेती हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है साइन थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी हम यहाँ से जैसे हमने कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया ऐसे ही हम यहाँ साइन स्क्वायर को हम शिफ्ट कर सकते हैं अब हमने साइन स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब दोनों साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट तो ये फोर आइडेंटिटीज़ इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज से बन जाती हैं नेक्स्ट हमारा फिर आता है सेक्क स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन फिफ्थ आइडेंटिटी इसमें हमने आगे जो हमें अब तीन आइडेंटिटीज़ से बन जाएंगी कि इसमें मैंने टेन स्क्वायर थीटा इस टेन स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव साइन में आएगा इट मीन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा फिर दोनों का हम अंडर रूट यदि हम लें दोनों साइड तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक और आइडेंटिटी हमारी तैयार हो गई यहीं से यदि हम सेक इस टेन थीटा को इधर शिफ्ट ना करके हमने क्या किया सेक कि so, थीटा के साथ में आइडेंटिटी लेना चाहिए so, you know? you know? तो हमने क्या किया इस टेन थीटा को तो हमने इधर शिफ्ट किया so, one और इस वन को हमने इधर शिफ्ट किया तो वन नेगेटिव साइन में आएगा और टेन पॉजिटिव में चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू तो टेन स्क्वायर थीटा अब इसके बाद हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से आएगा मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट नेक्स्ट आइडेंटिटी मेरी आती है कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो यहाँ से हमने कॉट स्क्वायर थीटा को इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट मीनस कैसा है स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी आती है हमारी यदि हम कॉसेक थीटा यानी दोनों ही साइड यदि मैं अंडर रूट ले लूँ तो कॉशेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है कॉसैक थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये मेरा अंडर रूट में होंगे एक और आइडेंटिटी यहाँ से हमारे होती है कि हम कॉट स्क्वायर थीटा को हमने इधर शिफ्ट किया कॉट स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया और वन को हमने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ से जब ये कॉट इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और वन जब यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा इट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मेरा हो जाएगा अब हमने दोनों साइड जब अंडर रूट लेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी एक लास्ट आइडेंटिटी हमारी है जो कि बहुत यूज आएगी टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन साइंथीटाफॉन थीटा ये हमें पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा है वो थीटा और थीटा का रेशो होता है यानी थीटा अपॉन साइंथीटाफॉन थीटा ही मेरा होता है तो ये थर्टीन आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई हैं इन थर्टीन एक्सेस थर्टीन आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ तीन आइडेंटिटी लर्न करनी है उन तीन पे ही बेस हम क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोजिशन हमें बहुत अच्छे से आता है कि हम कैसे शिफ्ट करते हैं क्योंकि आगे भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कहाँ कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी तो इसलिए हमें सिर्फ तीन आइडेंटिटी याद करनी है उनके प्रूफ जरूर आपको देखने हैं और ये सब कुछ नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सेल्फ करके देखेंगे यदि नहीं आता है तो हम फिर लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे सो दिस इज़ योर होमवर्क कि आपको सभी आइडेंटिटीज एक बार तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करके देखनी है एंड ये जो आपकी जो पी है इसको आपको नोट डाउन करना है इसके बाद अब मैं जो असाइनमेंट सेक्शन है वहाँ आप ज़रूर देखिए आपको वहाँ एक पी के साथ में एक प्रैक्टिस शीट और मिलेगी तो प्रैक्टिस शीट आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है और प्रैक्टिस शीट के जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर नोट डाउन उसमें करने हैं ठीक है ठीके? तो और उसके बाद इसे अपलोड करना है चाहे तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे करेंगे या आप क्लास मोबी पे करेंगे बट करना कंपलसरी है ओके थैंक यू सो मच